ग्राम प्रधान पर छप्पर का मकान फूंकने का लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम दुबिया में एक महिला व उसके पति ने ग्राम प्रधान पर छप्पर फूंकने का लगाया आरोप। आपको बताते चले कि महिला व उसके पति फुलचंद इटवा थाने में पहुंचकर एप्लीकेशन देकर न्याय की मांग की। अब देखना है कि क्या पीड़ित को इंसाफ मिल पाएगी या कागजों में ही आश्वासन मिलेगा। इस संबंध जब हमारी बात क्षेत्राधिकारी इटवा हरिश्चंद्र से हुई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, जाँच करके कार्रवाई किया जाएगा। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। गांव कौन सा है? फड़िया। क्या मामला है? छप्पर में रहते हैं और काबले असिकली प्रधान फूंक दिए। तो आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? हाँ, वो गया। कहाँ? वो लिफाफे फूंक गया दिया ना। माता जी गांव कौन सा है? फड़िया। तो क्या मामला है? कहाँ खाने पे कहे आई हो? खाने पर कि हमारी पूरी अब फूंक दी। कौन फूंक? प्रधान। तो थाने पर एप्लीकेशन दी हो? थाने पर एप्लीकेशन दी हो? हाँ, गया प्रधान आपसे कल फूके। फुलचंद। गांव कौन सा है? दुफड़िया। थाने पे आए हैं, किस लिए आए हैं आप? क्या सर, मेरा एक छप्पर का मकान था, उसको जला दिया है प्रधान मेरे गांव का। और प्रधान हमको बहुत दिन से उसके बारे में बहुत परेशान कर रहे थे और वही हमारा घर जला दिया सर। तो आपने कहीं एप्लीकेशन दिया? सर, मैं अपनी इटवा थाना पे एप्लीकेशन दिया हूँ। तो एसओ साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसओ साहब बोल रहे थे मुकदमा लिख जाएगा, आप देखिए अंदर क्या कर रहे हैं। तो क्या क्या जला है? सर, मेरा वहाँ सब चावल गेहूँ रखा था थोड़ा बहुत, वो भी जल गया, खटिया जल गया, मच्छिया जल गया, रजाई गद्दा भी जल गया सर, और कचरे बिछौना सब जल गया। अब क्या चाहते हैं आप? सर, क्या चाहते हैं आप? या उसका हमारा कोई निर्णय हो, उसका कोई मुआवजा भरे, नहीं तो मुकदमा लिख जाए, बंद हो सरकार, प्रधान 6-7 महीने के लिए जेल जाए, और क्या चाहता हूँ।